लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद खाली हुई यूपी की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 में से चुनाव आयोग ने एक सबसे चर्चित सीट पर उपचुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया है और 9 ही सीटों पर चुनाव कराने की बात कही है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र और झारखंड की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही 13 नवंबर को देश की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव में यूपी की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं, लेकिन 9 सीटों में सबसे हॉट सीट में से एक मिल्कीपुर का नाम नहीं है, जिसने सबके मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर वही सीट है जहां से अयोध्या के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। सबके मन में यह सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दें कि इन तारीखों के साथ उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट जो केदारनाथ है, उस पर भी 20 नवंबर को मतदान करने की बात इलेक्शन कमीशन के द्वारा कही गई। इन सभी चुनावों के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी होंगे। वहीं यूपी की 9 विधानसभा सीट जिन पर 13 नवंबर को मतदान होना है, उनमें मझुआ, कटेहरी, खैर, मीरापुर, करहल, गाजियाबाद, सीसामऊ, कुंदरकी, फूलपुर सीट शामिल है, लेकिन इसमें अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट नहीं है। बाय इलेक्शंस वी हैव 48 एसीज एंड 2 पीसीज इन 15 स्टेट्स। दे विल आल्सो अंडरगो द इलेक्शंस दिस टाइम। ऑल द 48 एसीज एंड 2 पीसीज द शेड्यूल वुड बी लाइक दिस। ऑल द एक्सेप्ट 1 एसी एंड 1 पीसी वेयर बिकॉज ऑफ द फेस्टिविटीज इन सम रीजन ऑल 47 एसीज and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand, the same schedule. 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament, that is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day, therefore it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be on the during the first phase. आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही सबकी निगाहें यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद सबको ये उम्मीद थी कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ होगा। इससे पहले सभी दल चुनावी तैयारियों में लग गए थे। सपा ने 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन अब मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव के लिए इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अपने प्रत्याशी सभी सीटों पर तय कर चुकी थी।